हेलो स्टूडेंट्स, मैं निर्भय शर्मा। लास्ट वीडियो में आपने जो वर्क डन पढ़ा था, मैंने कहा वर्क डन तीन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड एंगल थीटा, एंड दैट एंगल इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये हम लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। उस वीडियो के अंदर हमने थीटा चेंज करके देखा, जैसे हमने थीटा चेंज किया तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो गया था, थीटा चेंज करने की वजह से वर्क डन हमारा चेंज हो रहा था, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन और जीरो वर्क डन हमारे पास आ रहा था। फिर हमने डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर फॉर्म के साथ और स्केलर फॉर्म के साथ हमने देखा, तो वो भी हम निकाल पा रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं फोर्स की। तो मैंने आपको बताया था वर्क डन हमारे पास दो टाइप की फोर्सेस की वजह से हो सकता है, एक हो सकता है कांस्टेंट फोर्स की वजह से और दूसरा हो सकता है वेरिएबल फोर्स की वजह से। तो अब हम बात करते हैं आज की वीडियो में वर्क डन ड्यू टू बाय द वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। मतलब आपके पास क्या है, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वेरिएबल फोर्स, मतलब फोर्स क्या हो रही है, चेंज हो रही है हर सेकंड। तो फोर्स जो आपको दी जाएगी वो हमेशा किसी ना किसी फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट दी जाएगी। तो जब कभी भी आप इस टाइप का वर्क डन निकालते हो तो आप लिखोगे, लिख लो इस चीज को, वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, पहले जहां एक्स वन से चीज मूव कर रही थी एक्स टू तक जा रही है, जो फोर्स है इंटू डी एक्स आपके पास, तो फोर्स इंटू डी एक्स आप यूज कर सकते हो और फ्रॉम एक्स वन टू एक्स टू। ठीक है, तो सपोज एग्जाम्पल ले लेते हैं हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर वन आपको लिखना है तो लिख लो इस चीज को, कोई एग्जाम्पल लिखना चाहते हो तो आप लिखेंगे फोर्स एफ इज इक्वल्स टू 15x प्लस 2x, 15 प्लस 2x, ठीक है, ये हमारे पास न्यूटन में फोर्स है, 15 प्लस 2x न्यूटन एक्ट ऑन ए पार्टिकल इन द x डायरेक्शन, दिस फोर्स एक्ट ऑन ए पार्टिकल इन द x डायरेक्शन, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x इज इक्वल टू जीरो टू x इज इक्वल टू 2 meters। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो पहले हमारे पास जीरो से टू की तरफ हमारे पास जा रहा है और हमें इस फोर्स की वजह से वर्क डन निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, डायरेक्शन भी इधर लग रही है, तो हमारे पास क्या जाएगा बेटा, यहाँ पे ना cos थीटा भी ले सकते हो कभी कभी हमारे पास, जो नेगेटिव भी वर्क डन आएगा तो डायरेक्शन भी देख लेना साथ में। तो वर्क डन इक्वल टू क्या लिखोगे, एक्स वन, बट एक्स वन बताइए इनिशियली कंडीशन क्या है हमारे पास, जीरो, और फाइनल कंडीशन टू, फोर्स कितना है 15 प्लस 2x dx, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू बेटा 15, अलग अलग कर लें इसको, 15 का बताइए डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होगा, 15 इंटू एक्स प्लस, आपको पता होगा जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, ये आप में से कुछ बच्चे को इंटीग्रेशन में दिक्कत होती हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 15 dx 0 to 2 plus 2x dx 0 to 2, तो 15 बाहर आ जाएगा, वर्क डन क्या बचा 0 to 2, 15 बाहर आ गया, क्या बच गया dx बच गया 2x dx 0 to 2 आ गया। ठीक है ना, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, आपने ये देख रखा होगा dx का इंटीग्रेशन x, dt का इंटीग्रेशन t, dy का इंटीग्रेशन y, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू 15, dx का इंटीग्रेशन x आ गया 0 से 2, 2, x की पावर क्या है 1, x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 2, 0 से लेके 2 तक, 15, 2 माइनस 0 प्लस 2 से 2 कट गया, x स्क्वायर 0 से लेके 2 तक, तो w इज इक्वल टू 15 इंटू 2 30 प्लस 2 का स्क्वायर 4, w इज इक्वल टू हमारे पास आ गया है 34 जूल। तो 34 जूल आपके पास जो वर्क डन है वो आपको निकाला गया है कितने एंड डिस्प्लेसमेंट में, 0 से लेके 2 मीटर के बीच में। ठीक है भाई, और एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं जिससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट आ जाएगा। इस बार आपको f दिया हुआ है, लिख लो f इज इक्वल्स टू
सेवन माइनस टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, एफ इज इक्वल्स टू सेवन माइनस टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर। एग्जाम्पल नंबर टू लिखा हुआ है पार्टिकल मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस, एक पार्टिकल है जो अलोंग द एक्स एक्सिस मूव कर रहा है, कहां से, ये हमारी हो गई एक्स एक्सिस और ये हमारी हो गई वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है कहां पे, फ्रॉम जीरो टू टू, ये एक्स हमारा जीरो है और ये हमारा एक्स क्या है टू, जीरो से लेके टू तक मूव कर रहा है, सॉरी जीरो टू फाइव है, जीरो टू फाइव, अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ द फोर्स एफ हमारे पास है सेवन माइनस टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, फाइंड द वर्क डन इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या बताइए, वर्क डन बताइए, तो वही से वर्क डन क्या रहेगा बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स भी अलोंग एक्स एक्सिस लग रही है क्योंकि देख लो एक्स के डिपेंडेंट है, एक्स के ऊपर डिपेंडेंट है, तो हमारे पास और टू से फोर की तरफ, जीरो से फाइव की तरफ जा रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट भी इधर मूव कर रहा है और फोर्स भी लग रही है, तो थीटा कितना हो गया हमारे पास, जीरो, मतलब पॉजिटिव वर्क डन आएगा, तो जीरो टू फाइव वर्क डन इज इक्वल्स टू सेवन माइनस टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स, जीरो टू पांच वर्क डन इज इक्वल टू सेवन डी एक्स का इंटीग्रेशन बेटा एक्स माइनस टू इन टू एक्स की बार वन होगी ना, तो टू बाय टू प्लस थ्री एक्स क्यूब बाय थ्री, कहां से कहां तक, जीरो से लेके पांच तक, थ्री से थ्री कट गया, टू से टू कट गया, वर्क डन इज इक्वल टू सेवन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, जीरो से लेके पांच तक, अपर लिमिट पुट करते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू सेवन इंटू फाइव माइनस फाइव का स्क्वायर प्लस फाइव का क्यूब, माइनस जीरो आ जाएगा, ये कितना आएगा थर्टी फाइव माइनस ट्वेंटी फाइव प्लस वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव, ये बच गया टेन, वन थर्टी फाइव जूल आपके पास आ गया वर्क डन। तो वर्क डन चाहे आपको कैसे भी निकाल लो, फोर्स स्टेप से वेरी कर रही हो, तो आप ये चीज बड़े आराम से कर सकते हो। लेकिन एक चीज और है, काफी बार ऐसा होता है कि बच्चों को इंटीग्रेशन करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, या फिर आपको कई बार डिफरेंशिएशन करने में दिक्कत होती है। एक हमारे पास डिफरेंशिएशन में एक रूल था चेन रूल, वो मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं, और उसके ब्याप पे हमारी एनसीईआरटी ने भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वो आप कैसे यूज करोगे वो आपको देखना पड़ेगा। देखिए चेन रूल मैं आपको बता दूं, जैसे चेन रूल में कह रहा है जैसे y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का आपको डेरिवेटिव करना होता है, ठीक है, चेन रूल बोलता है कि सबसे पहले डेरिवेटिव करो पावर का, फिर करो फंक्शन का, फिर करो एंगल का, यदि एंगल है तो। पावर बेटा यहां पे क्या है टू, डिफरेंशिएशन बताइए क्या करते थे, डी वाई बाय डी एक्स, पावर का आगे आएगा बेटा टू, आगे आ गया और एक पावर कम हो जाती है तो पावर बन गई वन, तो टू एक्स बच गया, फिर हमारे पास आता है फंक्शन, फंक्शन क्या है बेटा एक्स, एक्स का डेरिवेटिव बताइए डी एक्स वाई, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो हमारे पास आ जाएगा डी एक्स वाई डी एक्स, dx dx कैंसिल कितना बच गया वन, इसीलिए हमारा x स्क्वायर का डेरिवेटिव सिर्फ डायरेक्ट क्या आता है dy by dx, बात समझ में आई नहीं आई। अब जैसे हमारे पास ये होता है y is equals to t स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करना है फाइंड dy by dx, फाइंड dy by dx करना जरा, dy by dx t स्क्वायर का बेटा पहले पावर, पावर आगे आएगी टू टी बच गया, फिर एंगल सॉरी फंक्शन, फंक्शन क्या है हमारे पास एल्जेब्रिक फंक्शन है टी फंक्शन है हमारे पास, तो लिखोगे डी टी बाय डी एक्स, तो जब हमारे पास यदि फंक्शन कुछ और है तो मतलब इसका डेरिवेटिव इतना ही आएगा, बात समझ में आई नहीं आई, जैसे ऐसा ही कुछ हो वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ही होता और आपसे बोल दे फाइंड डी वाई बाय डी टी, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके दिखाइए, तो बेटा कितना आएगा हमारे पास डी वाई बाय डी टी इज इक्वल टू पहले पावर का करेंगे तो टू एक्स, फिर इसका करेंगे फंक्शन का तो डी एक्स वाई डी टी, तो चेन रूल में भाई पहले आपको याद रखना है पहले पावर का होता है फिर फंक्शन का होता है, इसी ब्याप पे हमें देखने कुछ क्वेश्चन जहां पे पावर और फंक्शन का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। बेटा हमारे पास इस वेरिएबल फोर्स का एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में 20th क्वेश्चन है, ये कह रहा है पार्टिकल ऑफ मास 0.5 केजी, भाई एक पार्टिकल है जिसका मास कितना है 0.5
0.5 kg, ठीक है, ऐसा पार्टिकल। तो ट्रेवलिंग द स्ट्रेट लाइन विद द वेलोसिटी ऑफ, मतलब ये जो मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी दे रखी है a x की पावर 3/2, a इंटू एक्स की पावर 3/2, और a कितना दिया हुआ है आपको, a हमें दे रखा है 5 m^-1/2 पर सेकेंड, ठीक है। सो वॉट इज द वर्क डन बाय द नेट फोर्स ड्यूरिंग इट डिस्प्लेसिंग फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 to x = 2 m। तो यहां पे पहले सपोज मान लीजिए ऑब्जेक्ट पहले यहां पे था, फिर ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया है यहां पर, और यहां हमारे पास क्या है 0.5 kg, और डिस्टेंस कितना है बेटा, ये दैट इज 2 m, 2 m डिस्प्लेसिंग हुआ है। यार हमने पढ़ा था वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ना तो हमें यहां फोर्स दी हुई है, फिर हमने पढ़ा था हमारे पास जो वर्क डन होता है वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस 0, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो भी इधर लग रही है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रही है, तो कॉस 0 आ गया। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू एस, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो हमें डिस्प्लेसमेंट तो पता है 2 m हुआ है, और वेलोसिटी हमारे पास दे रखी है, तो वेलोसिटी से हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले हमें निकालना पड़ेगा पहले एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन निकालते हैं, ये वेलोसिटी है v इज इक्वल्स टू a x की पावर 3/2। यदि मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो dv/dt आ जाएगा, और dy/dt क्या आता है बेटा, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, ये dv/dt को मैंने क्या लिख लिया, a इज इक्वल्स टू, एक काम करो भाई इसे ना अल्फा मान लो, क्योंकि ये भी एक्सेलरेशन लिख रहे हो गए आप, इसे हम मान लेते हैं अल्फा, ठीक है, और अल्फा की वैल्यू ये दे रखी है, ठीक है बच्चों। तो dv/dt इसको मैंने डिफरेंशिएट करा, इसे डिफरेंशिएट करके आ गया मेरे पास एक्सेलरेशन, अल्फा, अल्फा की जगह अल्फा रहेगा, पहले पावर का डेरिवेटिव, पावर आगे आएगी और एक पावर कम हो जाएगी, तो 3/2 - 1, पावर आगे आई और एक पावर क्या हो गई, कम हो गई, इंटू किसका करते थे हम, पहले पावर फिर फंक्शन, फंक्शन क्या है हमारे पास x, तो डी एक्स बाय किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं बेटा हम, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो आ जाएगा डी एक्स बाय डी टी। बात समझ में आई नहीं आई, तो ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है। तो a हमारे पास जो आ गया है वो आया है 3/2 अल्फा x की पावर 1/2 इंटू बेटा डी एक्स बाय डी टी क्या होता था आपको पता होगा, डी एक्स बाय डी टी होता है वेलोसिटी, तो ये आ जाएगा वेलोसिटी की वैल्यू का दे रखी है हमको अल्फा एक्स की पावर 3/2। तो अगले स्टेप में पुट कर देंगे, चलो अगले स्टेप में पुट कर देते हैं, क्या आएगा a इज इक्वल्स टू 3/2 अल्फा एक्स की पावर 1/2 इंटू वेलोसिटी कितनी है अल्फा एक्स की पावर 3/2, तो अल्फा इंटू अल्फा 3/2 अल्फा स्क्वायर एक्स की पावर यहां 1/2 यहां 3/2 एड करोगे तो 4/2 आ जाएगा, इसका मतलब होता है 2। तो a हमारा आ गया है 3/2 अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो हमें क्या करना है भाई, हमें इसे वर्क डन को चेंज निकालना है, वेरिएबल फोर्स है ना आपके पास, तो ये तुम्हारे पास आ गया एक्सेलरेशन, ये चीज समझ में आई आपको, तो वेरिएबल फोर्स आ रही है भाई, क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, एक्स स्क्वायर के ऊपर। तो हम इसे क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट करके हमारा फॉर्मूला क्या आएगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 तक फोर्स की जगह एम इंटू व्हाट इज एक्सेलरेशन 3/2 अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डीएक्स, ये हमारे पास। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू m बाहर आ गया 3/2 बाहर कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, अल्फा स्क्वायर कांस्टेंट है, x स्क्वायर dx बच गया बस 0 to 2 तक। तो बेटा वर्क डन इज इक्वल्स टू 3/2 m अल्फा स्क्वायर x क्यूब बाय 3 0 to 2 तक, तो 3 से तो 3 कट गया, w इज इक्वल्स टू 1/2 m अल्फा स्क्वायर 2 की पावर 3 मतलब 8 - 0। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, बताइए बेटा कितना आ रहा है, वर्क डन इज इक्वल्स टू
जीरो से टेकर टू तक तो हो गया ना, वन बाय टू. व्हाट इज द मास ऑफ द बॉडी? 0.5 केजी, मतलब 1/2. व्हाट इज द अल्फा स्क्वायर? 5 का स्क्वायर इनटू 8 आ गया. तो 2 और 2 4, इससे काटोगे तो 2 आ जाएगा. 5 का स्क्वायर 25 इनटू 2, वर्क डन हमारे पास आ गया 50 जूल. दिस इज द वर्क डन बाय द फोर्स. पास वन में आई नहीं आई. तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपके पास. ऐसा क्वेश्चन एक AIEEE के अंदर भी आया हुआ है, वो ही मैं आपको बता देता हूं. ऐसे क्वेश्चन जब आपके पास आएंगे तो आपको ये देखना होगा कि ये जो फोर्स है वेरिएबल है या नहीं. और डिफरेंशिएट करते वक्त आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो डिफरेंशिएट करते वक्त चेन रूल लगेगा या नहीं. डायरेक्ट मत लिख देना टी स्क्वायर का या एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, यही होता है. अब एक आपको बोर्ड पे क्वेश्चन दिखेगा, वो क्वेश्चन पहले आप खुद ट्राई करें. आपसे होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना. क्या कह रहा है? ए लोकोमोटिव ऑफ मास एम स्टार्टिंग मूविंग सो दैट इट्स वेलोसिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू द लॉ. तो एक लॉ दे रखा है इन्होंने, वही सेम क्वेश्चन है आपके पास. बिल्कुल वेलोसिटी आपके पास दे रखी है ऑब्जेक्ट की, इसका मास एम है, जो वेलोसिटी है वी इज इक्वल टू है अल्फा अंडर रूट एस. ठीक है बेटा, तो अल्फा अंडर रूट एस. फोन आप सबके लिए नहीं आया, मेरे लिए आया, ठीक है. तो ये हमारे पास रखा है वी इज इक्वल टू अल्फा अंडर रूट एस. इसे आप क्या ले सकते हो? अंडर रूट एस. और इसे क्या ले सकते हैं? वी इज इक्वल टू अल्फा एस की पावर 1/2. जैसे उसमें कितनी दे रखी थी बेटा? 3/2 दे रखी थी. वैसे ही इसके अंदर कितनी दे रखी है? उसमें 3/2 थी और इसमें क्या है? 1/2. वेयर अल्फा इज अ कांस्टेंट एंड एस इज अ डिस्टेंस कवर्ड, फाइंड द टोटल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द लोकोमोटिव ड्यूरिंग फर्स्ट टी सेकंड. तो पहले टी सेकंड के अंदर आपको बताना है कितना आ रहा है, ठीक है. तो आइए वही प्रोसीजर अपना अपनाते हैं. वी हमें पता है, हमें क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. तो डीवी बाय डीटी जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? ए आएगा इज इक्वल्स टू अल्फा. बेटा पावर आगे आती है, पावर आगे आएगी तो 1/2 आगे, एस की पावर 1/2 माइनस 1 कर देंगे, फिर डिफरेंशिएट कर हम करेंगे एस का. तो ये हमारा पास आएगा डी एस बाय डी टी. तो हमारे पास आ रहा है ए इज इक्वल्स टू 1/2 अल्फा एस की पावर माइनस 1/2. और डी एस बाय डी टी क्या होता है बेटा? वेलोसिटी. और वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है? अल्फा एस की पावर 1/2. एस की पावर 1/-1/2 या 1/2, ऐड करोगे तो 0 आ जाएगा. ए इज इक्वल्स टू 1/2 अल्फा स्क्वायर एस की पावर 0. किसी की पावर 0 होती है उसका मतलब क्या है? वैल्यू आ रही है 1. तो 1/2 अल्फा स्क्वायर. मतलब इतनी इसमें कितनी मजेदार बात आ गई कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन आ रहा है दैट इज नॉट वेरिएबल, क्योंकि अल्फा इज अ कांस्टेंट टर्म एंड 1/2 इज आल्सो कांस्टेंट. तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. बड़े आराम से चीज लगा लोगे आप. तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आपके पास कितना आ जाएगा बेटा? आपको इनिशियली स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बोल रखा है ना एक्चुअली. तो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है? वर्क डन इज इक्वल्स टू एम इंटू ए इंटू एस. आपको एस नहीं पता इसमें. क्या बोला इसने? फाइंड द टोटल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस एंड डिस्टेंस कवर्ड इज एस. तो आपको एस नहीं पता यहाँ पे. सबसे बड़ी परेशानी ये है. तो पहले एस भी निकाल लेते हैं. ये कह रहा है लोकोमोटिव ऑफ मास एंड स्टार्ट मूविंग, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज 0. एस इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. यू हो गया है 0. तो बेटा आपका एस कितना आ जाएगा? 1/2. व्हाट इज ए? 1/2 अल्फा स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर. तो बेटा बताइए एस कितना आ रहा है? 1/4 अल्फा स्क्वायर टी की पावर 2. This is our distance travel. नहीं बात समझ में आई? तो पहले आपके उस वाले क्वेश्चन में क्या था? आपको बता रखा था 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, पर इसमें इन्होंने बताया ही नहीं. बट इन्होंने क्या बता रखा है? स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. ये हमारा आ गया एस. वैल्यू पुट कर देते बेटा. वर्क डन इज इक्वल टू 1. मास बताइए, मास तो है में. एक्सेलरेशन बताइए 1/2 अल्फा स्क्वायर. बेटा एस बताइए 1/4 अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर. तो कितना आ जाएगा? वर्क डन इज इक्वल्स टू 1/2 और 1/4, दैट इज 1/8 इनटू एम अल्फा की पावर 4 टी की पावर 2. दिस इज द वर्क डन बाय द
फोर्स 1/8 एम अल्फा की पावर 4 टी की पावर 2। तो दिस इज द वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। तो दो क्वेश्चन आपने देखे, इससे पहले वाले में आपके पास जो आंसर आ रहा था वो आता 50 जूल का, और यहाँ पे हमारा आ रहा है 1/8 एम अल्फा की पावर 4 टी स्क्वायर। तो वेरिएबल फोर्स के आपको क्वेश्चन वर्क डन के केस में मिल जाते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, अब हमें निकालना है ग्राफिकल मेथड से। यदि हमें कभी ग्राफ दे दिया जाए और हमसे कहा जाए कि भाई इसमें से वर्क डन बताइए, तो ग्राफ में आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, इसे कहीं लिख लो। देखो यहां पे हमारे पास ग्राफ बनेगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का, ठीक है। जब कभी भी वाई एक्सिस पे जो टर्म दे रखी है और एक्स एक्सिस पे जो टर्म दे रखी है, यदि उन दोनों का मल्टीपल कुछ आ रहा होता है, क्या बोला मैंने, जब वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे जो टर्म दे रखी है उन दोनों का मल्टीपल यदि कुछ आ रहा होता है, तो उसके एरिया से वही चीज निकलती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कॉन्स्टेंट फोर्स का लाइन बना दूंगी, ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास कहता है कॉन्स्टेंट फोर्स लग रही थी और ऑब्जेक्ट मूव करता जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है, फोर्स भी हो रही है, फोर्स भी लग रही है कॉन्स्टेंट। जैसे ही मैं इसके अंडर का क्या करूं, एरिया निकालू, तो ये क्या देख रहा है आपको, रेक्टेंगल, ये ओ, ये ए, ये बी और ये सी। तो मेरे को दिख रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बताइए एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बेटा क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या है भाई इस रेक्टेंगल की, ये रही लेंथ और ये रही ब्रेथ। तो लेंथ कितनी होगी बेटा, लेंथ हमारे पास है ए इंटू बी और ब्रेथ कितनी है ओ इंटू ए। तो ए इंटू बी हमारे को रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है, और ओ ए ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा फोर्स। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, That is work done. तो जो इन दोनों का आ रहा है वो कितना आ रहा है, वर्क डन। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल था यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्व, एरिया ऑफ कर्व। कर्व मतलब यहां पर कौन सा कर्व है, यहां पे एक एरिया स्ट्रेट लाइन थी, तो स्ट्रेट लाइन के अंडर जो भी एरिया आया उसने क्या बताया, वर्क डन। तो मैंने आपसे क्या बोला, जैसे सपोज ये वेलोसिटी और टाइम ग्राफ होता, तो वेलोसिटी और टाइम, वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वेलोसिटी टाइम का मल्टीप्लिकेशन क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट। तो मतलब कि जब कभी भी हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा और उसके अंडर का एरिया निकालोगे आप, तो क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा। और सोचो क्या हो सकता था, मतलब कोई भी और दो टर्म देखो जिससे आपके पास एक्सीलरेशन और टाइम, एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ हो, तो एक्सेलेरेशन टाइम क्या से क्या आता है, वेलोसिटी आती है। तो जब एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ होगा उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, जैसे ये एक्सेलेरेशन हो गया, टाइम हो गया, जब इनका एरिया निकालोगे तो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी। तो मतलब एरिया से एरिया तब फाइंड करने का लॉजिक है जब हमारे पास उन दोनों का मल्टीपल कुछ आ रहा हो। तो इसलिए हमने क्या रखा है, टोटल वर्क डन इक्वल्स टू एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। जैसा भी आपके पास कर्व है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करिए, वर्क डन निकालिए। कॉन्स्टेंट फोर्स रहेगी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, डायरेक्ट आपके पास क्या जाएगा, फॉर्मूला आ गया। लेकिन काफी बार क्या होता है, हमारे पास फोर्स के अकॉर्डिंग वर्क डन चेंज, मतलब वेरिएबल फोर्स लगती है आपके पास, ठीक है। तो दोनों केस देखते हैं, जैसे मेरे पास एक फोर्स है, वो कह रहा है भाई फोर्स वेरी कर रही है 2x के अकॉर्डिंग, और x हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हमें बनाना पड़ेगा ग्राफ। तो लेट x इज इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो लोगे बेटा, x इक्वल टू जीरो तो f भी कितना आ जाएगा, जीरो। x इज इक्वल टू वन, 20 ले लो यार, एक काम करो, तो f कितना आ गया, 20 न्यूटन आ गया। थर्ड यदि x इज इक्वल टू टू लोगे, f हमारे पास 40 न्यूटन आ गया। x हमारे पास 3 है तो f हमारे पास कितना आ गया, 60 न्यूटन आ गया। ये वाली चीज आपके पास आ गई है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने ये दो कर्व लिए, दैट इज अलोंग द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे क्या मान रहे हो आप, फोर्स, और दैट इज अलोंग द एक्स एक्सिस, और यहां पे क्या मान रहे हो बेटा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आइए ग्राफ बनाते हैं। तो एक एक्स जीरो, तो ये जीरो, फिर 1 पे 20, 2 पे
43 पे 60, 4 पे 80 और 5 पे 100। तो मतलब यहाँ पे जो आपके पास आ रहा है दैट इज x इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे जो आ रहा है ये कितना आ रहा है 20 न्यूटन। फिर यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 2 और यहाँ पर 40 न्यूटन। यहाँ पे बात की जाए तो x इज इक्वल टू 3 और यहाँ पर x इज इक्वल्स टू सॉरी फोर्स जो हमारी आ रही है वो आ रही है 60 न्यूटन। यहाँ पर 80 न्यूटन और यहाँ पर x इज इक्वल टू 4, यहाँ पर x इज इक्वल टू 5 और यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 100 न्यूटन। ये चीज आपके पास आ रही है 20, 40, 60, 80 और 100। आपसे यदि कहा जाए फाइंड द वर्क डन, जैसे आपसे बोलूं एक क्वेश्चन लिख लो इस तरीके से, कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग द ऑब्जेक्ट, कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम x इज इक्वल टू 2 टू x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 2 टू x इक्वल टू 3, मतलब 2 से लेके 3 के बीच में। तो क्या करोगे, एरिया अंडर कर्व, तो ये रहा एरिया अंडर कर्व। क्या दिख रहा है बेटा आपको, ये क्या शेप दिख रही है बताइए, दिस इज कॉल्ड व्हाट, ट्रेपेजियम, या फिर एक ट्रायंगल बना सकते थे आप, ये ट्रायंगल ऊपर नीचे रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बताइए बेटा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ये आप बोलोगे 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड्स इंटू हाइट या डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। बेटा एक ये है और एक ये, तो ये कितने की है 40 की, ये कितनी है 60, तो ये आ जाएगा 40 प्लस 60 इंटू हाइट, ये 2 और ये 3 कितना का है 1, तो ये 1/2 इंटू 100 इंटू 50, 50 कितना जूल, वर्क डन निकाला है ना आपको, तो 50 जूल आ गया। यदि वो आपसे कहता x इज इक्वल टू 3 to 5 ऐसे भी निकाल सकते थे। अब आप बोलो सर ये हमने ग्राफ क्यों बनाया, हम तो डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। मैं बोलूंगा बेटा कैसे, आप बोलोगे सर ये रहा ना फॉर्मूला हमारे पास, x इज इक्वल टू 2 to 3 एफ डी एक्स, एफ कितना था सर 2x, डी एक्स 2 to 3, तो 2 बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर बाय 2 2 to 3, हाँ या ना, ये चीज थी ना, इससे कट गया तो 3 का स्क्वायर 9 सॉरी 20x था ना, तो 20 बाहर आ गया, काटोगे तो 10 आ जाएगा, तो 10 9 माइनस 4 तो 10 इंटू 5 50 जूल आ गया। तो ये भी वर्क डन हमारे पास 50 जूल आ रहा है, पर आपकी मर्जी है, मतलब ग्राफिकली आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो ग्राफिकली, अदरवाइज जितने आपने भी ग्राफ बनाए थे ना उन सभी ग्राफ जो अपने वेरिएबल फोर्स वाली चीज ले रखी थी उसे ग्राफ बना लो, ग्राफ से एरिया निकाल लो। मतलब आपको ये पता है कभी भी यदि मेरे को वर्क डन निकालना है ग्राफ से तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसके अंडर का एरिया निकालना पड़ेगा, बस ये चीज याद रखो, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व आपको जो दिया हुआ है दैट इज अ टोटल वर्क डन। एक एग्जांपल और देख लीजिए जैसे कि आपको समझ में आए, ऐसा है कोई कर्व, मतलब यहां से ये और यहां से ऐसे फिर यहां पे ऐसे, ठीक है ऐसा है, तो कंटेंट दिया हुआ है कुछ, ठीक है यहां पे ऐसे 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 और ये ऐसे, ठीक है ग्राफ थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है आप अपने ये देखो कंसेप्ट क्या है, बस ये मत कहना सर ये दोनों तो बराबर ही नहीं है, तो ये आप देख लेना ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है, ठीक है तो ये हमने मान रखा है 1 2 3 4 5 और 6, ये 10 20 30 40 और 50, नामकरण कर लें ए बी सी डी और ई तो एक 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 काम करना है आपको, ठीक है तो ए से लेके बी तक का यदि मैं आपसे वर्क डन बोलूं तो आप बोलोगे सर एरिया अंडर कर्व, इसे मैं नाम देता हूं W1, W2, W3 और W4,
ठीक है बेटा। तो टोटल वर्कडन जो आप निकालोगे, टोटल वर्कडन हमारे पास आएगा W1 प्लस W2 प्लस W3 माइनस W, क्यों? क्योंकि भैया ये है नीचे कर्व के, और जब कर्व के नीचे होगा जो ऊपर वाली एक्सिस है वो क्या है, पॉजिटिव F, नीचे वाली एक्सिस क्या होगी, नेगेटिव F। तो नेगेटिव F लोगे तो वर्कडन क्या आएगा, माइनस F इंटू डिस्प्लेसमेंट। इस टाइप की चीज आप यूज कर सकते हो। W1 देखो कैसे निकालोगे, रेक्टेंगल दिख रहा है तो लेंथ इंटू ब्रेथ 40 इंटू 1 40 इंटू 1 प्लस W2, ये क्या दिख रहा है बेटा आपको, एक ट्रेपेजियम दिख रहा है, तो ट्रेपेजियम का कैसे निकलेगा 1 बाय 2, ये कितना है 40 और ये कितना है 50 इंटू कितनी 1 माइनस प्लस W3। बेटा ये क्या है, वो दिख रहा है आपको रेक्टेंगल, ट्रायंगल क्या होता है 1 बाय 2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 2 और हाइट कितनी है 50 माइनस W3 बताइए। ये जो ये नीचे बन रखा है ना, इसका आपको कैलकुलेशन नहीं पता होगा, ये आप इसे मान लेते हैं कि जो मिल रहा है तो 20 पे मिल रहा है, सपोज 20 पे, तो क्या आएगा 1 बाय 2, ट्रायंगल है ना ये भी 1 बाय 2, व्हाट इज बेस 1 इंटू 20, ठीक है, ये जो मिल रहा था वो 20 पे मिल रहा था, ठीक है, तो 40 प्लस 1 बाय 2 इंटू 90 प्लस 50 माइनस 10, ठीक है, ये तो ये आ गया 90, 40 और 50 90 माइनस करा 80 और ये आ रहा है 45, तो कितना आ गया 125 जूल, ठीक है। तो कभी भी आपके पास नीचे, यदि कभी भी ग्राफ के नीचे यदि ऐसा कुछ बनता है तो क्या करना, वर्क डन को माइनस करना, ये चीज ध्यान रखना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी आप कोई ग्राफ बनाते हो तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों अभी तक जो हमने वर्क डन पढ़ा है, वर्क डन में क्या क्या पार्ट पढ़ा हमने, वर्क डन कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स पढ़े हमने, और इसके बाद हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट को हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, नॉर्मल भी बता सकते हैं, नॉर्मल होगा तो ईजी हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में होगा तो हमने क्वेश्चन करें, उसके बाद हमने फोर्स को वेरिएबल मान के भी क्वेश्चन करे, तीन चार एग्जांपल करे, फिर हमने पढ़ा ग्राफिकल से। तो वर्क डन वाला पोर्शन ओवरऑल आपका हो चुका है खत्म। अब हम बात करते हैं एनर्जी। अब स्टूडेंट बात करने वाले हैं हम एनर्जी की। तो एनर्जी क्या होती है, देखिए आप में से कुछ लोग होंगे जिनसे कहा जाए कि भाई आप एक ब्लॉक है उसको एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करा के आइए, आप बोलोगे ना यार अभी ना मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, मैं ये वाला काम नहीं कर सकता। तो एनर्जी और वर्क दोनों बहुत ज्यादा इंटररिलेटेड है, क्योंकि होता क्या है, आप कितना काम कर सकते हो वो कौन बताता है, आपके अंदर एनर्जी कितनी है। जैसे अभी आप मॉर्निंग में उठे हो, नाश्ता किया है, आपसे काम बहुत सारा करवाया जा सकता है, लेकिन जैसे ही दिन ढलता रहेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा दिन, आप काम करते रहोगे, और यही चीज आपसे कहा जाए शाम को 7 बजे या 8 बजे आपसे कहा जाए ये वाला काम करते हो, आप बोलोगे नहीं एनर्जी नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं वर्क करने के लिए जो आप फोर्स लगाते हो ना, तो फोर्स आप तब लगा सकते हो जब आपके अंदर एनर्जी है, ठीक है ना। तो इसीलिए एनर्जी को क्या बोलते हैं, द कैपेसिटी कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी बोल सकते हो और क्या बोल सकते हो, और एबिलिटी, एबिलिटी टू डू वर्क। तो लिख लीजिए, एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द इट्स कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क, मतलब वो कितना काम कर सकता है, तो ये आप किससे बताओगे, उसकी एनर्जी के ऊपर डिपेंड करेगा। अब एनर्जी आप बोलोगे सर कितने टाइप की एनर्जी होती है, भाई एनर्जी हमारे पास बहुत सारी टाइप की होती है, जैसे हीट एनर्जी हो सकती है, वाइब्रेशन एनर्जी हो सकती है, रोटेशनल एनर्जी हो सकती है, और अब यदि आप चल रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, आप एक अपनी हाइट चेंज कर रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, तो ये सारी टाइप की एनर्जीज आप पढ़ोगे। लेकिन इस साल इस चैप्टर के अंदर जो हमें पढ़नी है वो मेनली दो एनर्जीज पढ़नी है, एक हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी। तो ये दोनों आती है हमारी मैकेनिकल एनर्जी के अंदर, मैकेनिकल एनर्जीज, मैकेनिकल एनर्जी में दो आएंगी, एक तो आती है काइनेटिक एनर्जी और एक आती है पोटेंशियल एनर्जी।
तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो आइए एक एक करके इसको पढ़ते हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या है और पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं भाई काइनेटिक एनर्जी। तो लिखिए एनर्जी पजेस्ड बाय ए बॉडी, एनर्जी पजेस्ड बाय ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। मतलब यदि कोई ऑब्जेक्ट आपके पास मूव कर रहा है, चल रहा है, तो आप बोलोगे उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, अदरवाइज नहीं। यदि किसी बॉडी के अंदर, यदि कोई बॉडी किसी टाइप की एनर्जी को पजेस करता है, या मतलब उसके अंदर वो एनर्जी है, तो किसकी वजह से है? बिकॉज ऑफ इट्स मोशन। यदि मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को जब कभी आप कैलकुलेट करते हो हम लिखते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है? एम इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और वी इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब उस इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप समझोगे भाई मेरे पास एक ब्लॉक था 2 किलो का, ये मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, फिर यही 2 किलो का ब्लॉक जो है ये मूव कर रहा है 7 मीटर पर सेकेंड से, फिर यही 2 किलोमीटर का ब्लॉक, 2 किलो का ब्लॉक मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास जो सेम ब्लॉक है लेकिन उसकी क्या हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। यदि यहां पर मैं काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा तो क्या लिखूंगा, 1/2 क्या फॉर्मूला बेटा, मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो मास कितना है बेटा आपके पास, मास हमारे पास है 2 kg, वेलोसिटी कितनी है 5 का स्क्वायर, तो काट दोगे तो कितना आ गया 25 जूल। एनर्जी भी हमारे पास वर्कडन की फॉर्म है तो हमारे पास वो जूल में ही आती है। दूसरी चीज यहां देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, 1/2 मास की जगह 2 7 का स्क्वायर, काटोगे तो 49 जूल। मतलब आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रही है काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो रही है बेटा, बढ़ रही है। और यहां पे जब काइनेटिक एनर्जी निकालोगे तो आएगा 1/2 एम की जगह 2 10 का स्क्वायर, काट दोगे तो 100 जूल आ गया। मतलब आप एक चीज पूरी तरीके से नोटिस कर रहे हो, जैसे जैसे हम पहले वेलोसिटी 5 थी फिर 7 हुई फिर 10 हुई, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रही है वैसे वैसे किसी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है। तो एनर्जीज के बारे में एक चीज और लिख लो, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जीज जूल, लिख लेना इस चीज को, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, जिसे जे से डिनोट करते हैं, और सी जी एस यूनिट क्या पढ़ी थी आपने, अर्ग, ठीक है ना। और जूल और अर्ग में आपने रिलेशन भी पढ़ा होगा, है ना, 1 अर्ग = 10^-7 जूल, ठीक है ना, 1 अर्ग = और भी हमारे पास यूनिट हो सकती हैं, जैसे एनर्जी को आप कैलोरीज में ही बोलते हो, है ना, कहते यार आज मैं जिम में 1 घंटे वर्कआउट करा और इतनी कैलोरीज मैंने बर्न करी है, तो वो भी लिख लो, 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.186 जूल, ऐसे ही बोल सकते हो। और जब आप केमिस्ट्री पढ़ रहे होगे तो आई थिंक मेरे हिसाब से आप 11th क्लास में ही हुए इसमें, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा आपने, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट करके भी एक चीज पढ़ी थी, क्योंकि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है V = W/Q, तो V = W/Q जब हम पढ़ते हैं तो Q into V हमारे पास W आता है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है, ये वोल्ट होता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हमारे पास यूनिट कई जगह मिल जाती है, ठीक है। और बस अभी इतना ही बहुत है, ऐसा यूनिट इज जूल, CGS यूनिट इज अर्ग, दोनों में रिलेशन, 1 कैलोरी = this, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होती है जब आप 1.6 × 10^-19 से मल्टीप्लाई करके निकालते हो, जैसे कोई बोल रहे ना 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो आप क्या करोगे 5 × 1.6 × 10^-19 जूल आ गया। तो मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट से यदि आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो हमारे पास इतना जूल आता है, तो अभी भी लिख सकते हो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट = 1.6 × 10^-19 जूल, ठीक है, ये भी चीज बोल सकते हो आप, ठीक है।
तो तीन यूनिट आपको मिल चुकी है अलग अलग। इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली चीज यहाँ यूज नहीं करोगे आप, ये यूज करोगे आप एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के अंदर, जब कभी भी इलेक्ट्रॉन वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है। तो अब सर आपने भी एक फॉर्मूला बताया काइनेटिक एनर्जी का, हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये आया कहां से? सबसे पहले चीज क्या हमें रटना है ऐसा कुछ? बिल्कुल नहीं रटना भाई आपको। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं हम एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन कहां से क्या है वो हमें देखना है। अब हुआ क्या है, एक ब्लॉक है या एक ब्लॉक मान लो जिसका मास कितना है n, तो ये ब्लॉक यहां से इसके ऊपर लगाई गई है फोर्स और ये ब्लॉक उठ के पहुंच गया है यहां पर। यहां से लेके यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो इसने चला है s से। यदि इनिशियल वेलोसिटी की u मान ली जाए, इनिशियल वेलोसिटी इसे कितनी मान ले u, और इसकी फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू v मान लेते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली बात है इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी यदि चेंज हुई है तो यहां से यहां तक जो उसका था इसे हम बोलेंगे जो एक्सेलरेशन हुआ है वो हमारा हुआ है a। बात समझ में आ गई? तो आपने फोर्स भी इधर लगाई है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो बेटा हमारे पास वर्क डन कितना आ गया, वर्क डन बाय द फोर्स। बेटा कितना फोर्स लगाया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कॉस जीरो आएगा क्योंकि डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोथ आर सेम। तो फोर्स क्या होता है बेटा, एम इंटू ए इंटू एस। एक हमने इसके अंदर पूरा का पूरा क्या माना है हमने, एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है। एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट का मतलब क्या बेटा, मास भी कॉन्स्टेंट है। तो एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी फॉर कॉन्स्टेंट फोर्स, फॉर कॉन्स्टेंट फोर्स, ये चीज भी लिख लीजिए इसमें, फॉर ए कॉन्स्टेंट फोर्स। बेटा कॉन्स्टेंट फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला होता है एम इंटू ए ना, यदि मास तो हमेशा कॉन्स्टेंट रहता ही है, यदि एक्सेलरेशन भी हमारा कॉन्स्टेंट हो गया दैट मीन्स हमारा क्या हुआ है, फोर्स पूरा का पूरा कॉन्स्टेंट हो गया। एज वी नो दैट, एज वी नो दैट बेटा क्या जानते हैं हम जानते ये हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस होता था। यदि टू को मैं नीचे ले आऊं तो ए एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन बाय टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। बेटा वैल्यू पुट करते यहाँ पे, तो एम इंटू वन बाय टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसे बाहर ले आइए, वन बाय टू एम वी स्क्वायर माइनस वन बाय टू एम यू स्क्वायर इज अ वर्क डन, ठीक है। तो ये हमारी काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है बेटा, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है, वन बाय टू मास ऑफ ए बॉडी इनटू वेलोसिटी। तो चाहे वेलोसिटी कोई सी भी हो वो आपके पास ये फॉर्मूला आपके पास होता है। तो ये हमारे पास है फाइनल वेलोसिटी, ये हमारे पास है इनिशियल वेलोसिटी, इसीलिए जो वर्क डन आएगा वो हमारे पास आएगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो ये हमारे पास जो वर्क डन आएगा दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसको हम बोलते हैं क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो देखिए यदि आपसे कोई क्वेश्चन बोलता है क्या बोलेगा, स्टेट द वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर ए कॉन्स्टेंट फोर्स। यदि कॉन्स्टेंट फोर्स के यदि वो बात कर रहा है और आपसे बोल रहा है कि भाई कि मुझे बताइए वर्क एनर्जी थ्योरम को डिफाइन कीजिए, वर्क एनर्जी थ्योरम का मतलब क्या है, जब आपने वर्क और एनर्जी में दोनों में क्या लिया, लिए रिश्ता निकाला है, रिलेशन निकाला है, तो वर्क इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आप कभी भी इस चीज का यूज कर सकते हो मतलब इस चीज को डिफाइन करने के लिए। तो ये तो हमारे पास आ गया वर्क एनर्जी थ्योरम। सर आपने भी तो बोला काइनेटिक एनर्जी बताइए फॉर्मूला क्या आता है, तो बेटा काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास आई है वो क्या आई है, हाफ एम वी स्क्वायर। इफ इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, इफ इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, बेटा ये कब होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट। तो यू की जगह जीरो डाल लोगे तो वर्क डन किसका आ जाएगा बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। तो मैंने बोला ही आपसे, तो जो भी आपके पास एनर्जी फॉर्म, एनर्जी स्टोर होती है ना किसी बॉडी के अंदर, दैट ऑलवेज कॉज्ड बाय द वर्क डन।
दैट ऑलवेज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करते हो तो हमेशा वो ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क किया हुआ एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो या फिर पोटेंशियल एनर्जी हो. इसीलिए दोनों की यूनिट क्या रहती है, सेम, दोनों की एनर्जी जूल है. तो पहला आपके पास रिलेशन जो आ गया है दैट इज काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर. अब आप हेडिंग डाल सकते हो रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम. तो हेडिंग डालिए रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम. बेटा आपको पता है लीनियर मोमेंटम क्या हुआ करता था, हमेशा लिखते थे पी से, दैट इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी. तो पी इज इक्वल टू एम इनटू वी, पहली इक्वेशन. एज वी नो दैट क्या जानते हो बेटा, हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर. बेटा एक्चुअली हमें चाहिए एम इन टू वी, यहाँ पे वी का तो स्क्वायर है लेकिन ये बच गया, मास का स्क्वायर नहीं है. तो क्या कर दिया हमने, मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मास से डिवाइड कर देते हैं. कोई बुरा तो नहीं मानेगा, लिख लेना इंग्लिश में मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाय द एम. तो डिवाइड भी कर रहे हो और मल्टीप्लाई भी कर रहे हो किससे, एम से. तो 1/2 बेटा एम इन टू एम, एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाय एम. तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 एम वी का होल स्क्वायर बाय एम. तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जो आ गई है दैट इज 1/2, इसकी वैल्यू आ गई है पी, पी स्क्वायर बाय एम. तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय 2m. यदि कभी आपको रिलेशन भी चाहिए हो पी का तो 2m को इधर भेज दीजिए. तो 2mk इज इक्वल टू पी स्क्वायर, अंडर रूट ले लोगे तो अंडर रूट 2mk इज इक्वल्स टू. तो ये हमारे पास मोमेंटम का फॉर्मूला आ गया है, ये हमारा आ गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला.